आपकी मर्जी है, आप हमारे बड़े भाई हैं। असलामुअलैकुम जी, हमारे साथ इस वक्त शबीर खान साहब हैं। शबीर खान साहब एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं। ये भी इसी तरह फैमिली ओन्ड बिजनेसेस, जैसे पहले लोग फैमिली ओन्ड बिजनेसेस पाकिस्तान में कर रहे हैं, इनका भी फैमिली ओन्ड बिजनेस है। बड़े अच्छे इनके प्रोफाइल है, फैमिली का बन रहा है। खान साहब ने मेरा इंटरव्यू मेरा देखे, वीडियोस देखी, और इन्होंने फैसला किया कि ये जेम बोर्ड पे अपनी कंपनी लिस्ट कराएं। उसके बारे में हमने आज डिस्कशन की। 1 घंटे का ये सेशन था, जिसमें खान साहब को मैंने पहले बताया कि अगर आपने एग्जिस्टिंग कंपनी को रजिस्टर कराना है तो उसका ये प्रोसीजर है, नई कंपनी को रजिस्टर कराना है तो उसका ये प्रोसीजर है कि पहले कंपनी फॉर्मेशन होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, आपने शेयर जो है वो आप डिसाइड करेंगे, उसके बाद आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो गई और उसके बाद आप लिस्टिंग के लिए चले गए। ये कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बड़े आराम से हो जाता है, और उसके स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं। फायदे मैं बता देता हूँ आपको लिस्टिंग के, क्योंकि हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोग लिस्ट कराएं तो उसके उनको फायदे क्या है। पहला फायदा उसका सबसे पहला है, खास आप लिखना चाहें तो लिख भी लें, चीप जी कैपिटल, जी बिल्कुल आपको इंटरेस्ट फ्री चीप कैपिटल मिलता है। यानी आप राइट जब उसको करते हैं लिस्टिंग, तो आपको उस पर कोई सूद नहीं देना, उस पर कोई खर्चा नहीं है, तो आपको वो कैपिटल जो है वो फ्री आपको मिल जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि आपकी एक कंपनी जो है उसकी ऑथेंटिकेशन बन जाती है। आप बाहर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए या बाहर किसी कंपनी के साथ आप मुआहदा करें, तो वो आपको सीरियसली लेती है कि ये एक लिस्टेड कंपनी है और उसके एग्रीमेंट्स और उसकी इंडोर्समेंट्स जो है वो बेहतर तरीके पर होती है। तीसरे लेवल के ऊपर ये है कि उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं, हर एक शेयर के ऊपर एक बंदा हो सकता है। अगर आप फिल्म गुरु देखें, धीरू भाई अंबानी की लाइफ स्टोरी में, तो उसमें वो पब्लिक इशू का जिक्र करता है। उस वक्त उसने इसी तरह पब्लिक इशू किया था कि लोगों से उसने पैसा रेज किया, जितना भी पैसा था, बैंक बैंक नहीं देते थे, तो उसने लोगों से रेज किया और उस पैसे से उसने कंपनी को फॉर्म किया और कंपनी को आगे चलाया। तो आप में से कोई भी अगर कोई कंपनी नई फॉर्म करना चाहता है, या एग्जिस्टिंग उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं प्राइवेट लिमिटेड में उसके साथ एग्री करते हैं या करना चाहते हैं, तो वो ये स्टेप कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है और वो अपनी कंपनी को लिस्ट करवा सकता है। और उससे फिर ये फायदा होता है कि आखिरी फायदा जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि एक्सपेंशन बहुत आसान हो जाती है। अगर आपने 10 गुना, 10x, 20x, 30x, 40x जाना है, तो आप राइट इश्यूज करके उसको जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका रिस्क ज्यादा नहीं होता। शुरू में अगर आप पार्टनरशिप के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर काम करना चाहें, तो रिस्क फैक्टर आपका बड़ा लो होता है अगर आप में उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें दूसरे पार्टनर्स हैं। तो इसके बहुत से फायदे हैं और ये जरूर करना चाहिए। और जब तक हम लोग इन चीजों की तरफ नहीं आएंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क के मौशी हालात बेहतर नहीं होंगे। नई जनरेशन अब आ रही है, जितने भी बुजुर्ग बाबे जो हैं वो पुराने जो कहते हैं अल मशहूर ABC तिक्का और अल मशहूर बर्फी, फलानी खोई वाली बर्फी, हमारी 200 साल से कोई और ब्रांच नहीं है, उनको समझना पड़ेगा कि मैकडोनल्ड कैसे है। और ये अभी आप लोगों ने कैनेडियन एक को आया है, टिम हॉर्टन्स गार्बन कंपनी का उसका नाम है, और वो उन्होंने अपना फ्रेंचाइज खोला है, स्टारबक्स ने अपना फ्रेंचाइज खोला है, तो आप ग्लोबल तभी जा सकते हैं। और अगर आपने नेक्स्ट डोर से मिसाल लेनी है, तो आप हल्दीराम से मिसाल ले लें इंडिया में जाके। इंडिया में सिर्फ आप देखेंगे IPOs किस किस्म के हो रहे हैं और वो कितनी ब्रांचेस बना रहे हैं। तो यानी एक ABC दारुलमाही जो है वो अगर KFC बनना चाहती है, अगर मैकडोनल्ड्स बनना चाहती है, अगर इंटरनेशनल से पहले नेशनल होना चाहती है, या वो सऊदी अरेबिया में अलबाइक है या और संग है, तो उसको कॉरपोरेट सेक्टर में आना पड़ेगा, उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। अनलिमिटेड फंड्स हैं, बिजनेस चलाने का एक बेहतरीन तरीका है। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि गुरु मूवी आप देखें इंडिया की और उसमें से सीखें। और अगर मजीद मालूमात कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में लेना चाहते हैं, तो 0300-9466-240 और 0336-424-2346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें और मेरे साथ किसी भी सेशन में आएं। जो मालूमात आप लेना चाहते हैं मैं आपको बड़ी खुशी से दूंगा।
आप कंपनियां इनकॉर्पोरेट कराएं, आप नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको आगे लेकर जाए ताकि बिजनेसेस बढ़े। अगर स्टीव जॉब भी वैसे ही करता और अपनी वो गैरेज में बैठा रहता, अगर एचपी वाले भी ऐसे करते अपने गैरेज में बैठे रहते, अगर वॉल्ट डिज्नी भी ऐसे करता अपने गैरेज में बैठा रहता, तो कभी डिज्नी वर्ल्ड ना बनता, कभी एप्पल 3 ट्रिलियन डॉलर, 3,000 अरब अमरीकी डॉलर की कंपनी ना बनती, कभी सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी ना बनती। ये जितने मुल्क दुनिया में तरक्की करते हैं, जिनके ब्रांड्स और जिनकी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने पहले अपने कॉरपोरेट सेक्टर को ही डेवलप किया है। कॉर्पोरेट सेक्टर बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी की, कॉर्पोरेट सेक्टर बैकबोन है किसी भी मुल्क की। और जिस मुल्क में कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलप नहीं होता पाकिस्तान की तरह, तो वो फिर आप अपना हाल खुद ही देख रहे हैं। सिर्फ जो है लोगों से चंदे मांगने से मुल्क नहीं चला करते, सरकारी अफसरों की ऐशो इशरत से मुल्क नहीं चला करते, मुल्क चलाने के लिए बिजनेसेस खड़े करने पड़ते हैं। कहते हैं मनी मेक्स द मेयर। आप इंडिया की एक कंपनी सिर्फ जो है इंफोसिस जो है वो 75 अरब डॉलर से ज्यादा है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी, और आपकी पूरी मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है वो 22-23 बिलियन डॉलर के ऊपर गई हुई है, विच इज अ शेम कि आबादी में आप चौथे नंबर पर हैं दुनिया में, और जो है उसके ऊपर जो है काम जो है कारोबार उसमें आप पैंट हैं फेसिंग, और सॉरी पॉपुलेशन में आप फिफ्थ नंबर पे हैं और कारोबार में आप सारे, यानी पांचवी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद। और जो जीडीपी है वो मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया कि 45% जीडीपी जो है वो दुनिया का वो टॉप 5 इकोनॉमीज, जो टॉप 5 पॉपुलेशन है, जिसमें अमेरिका है, जिसके अंदर इंडिया है, जिसके अंदर चाइना है, सबसे पहले चाइना है, फिर इंडिया है, फिर अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है, और पांचवें नंबर पे आप है, और उसमें आपका शेयर है 0.4%, यानी उन मुल्कों का शेयर है 44.6% और आपका 0.4%, 1.4, यानी 1% भी नहीं है, तकरीबन 50% बन जाता है कलेक्टिवली इन मुल्कों का, जो भी एक बड़ी पॉपुलेशन दुनिया की बन जाती है। तो ये भाईजान मेरा तो मशवरा ये कि गाने गाने आप बंद कर दें, 14 अगस्त पे गाने बहुत होते हैं और मुख्तलिफ मौकों पे गाने बहुत होते हैं, और कुछ काम शुरू कर दें। एंटरप्रेन्योरशिप इज द सोल्यूशन, बिजनेस इज आर द सोल्यूशन। अपनी आप पर रिलाय करें, मत उम्मीद रखें भीख की, मत उम्मीद रखें कि कोई आपकी मदद करेगा, खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये जाते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि टिम हॉटिन्स की जिस तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो पाकिस्तान कनाडा से आए हुए हैं, पूरी दुनिया छोड़ के, और यहाँ पे वो पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल है। तो इस तरह अगर आप लोग भी जो हैं उसके अंदर आना चाहेंगे, आप लोग भी अपनी कंपनियों को बढ़ाना चाहेंगे, अपनी कंपनियों को ग्रो करना चाहेंगे, तो भाईजान ये जिस तरह मैंने रिकॉर्ड किया, अल्लाह ताला शब्बीर खान साहब को तौफीक दे। इनका बिजनेस मॉडल तो हम लोगों के साथ डिस्कस नहीं करते, वो इनका प्राइवेट मैटर है, जी लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो ये वीडियो कर सकते हैं जब ये अपलोड हो, बिल्कुल क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं। अगर इनके दोस्त इनके साथ मिलना चाहें तो वो मिलकर उस कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। तो शबीर साहब आपका सेशन कैसा रहा, आपको समझ आई, कुछ आइडिया हो गया कि कैसे आपने लिस्ट करानी है, कैसे अपने। जी, जबरदस्त। बहुत जो कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए हैं। आपकी मेरी वीडियोस वैसे देखता रहता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, पर वो चीजें लाइनअप में नहीं थी ना, तो वो सेशन का ये फायदा हो कि सब चीजें लाइन में हो गई है ना। नहीं, मेरी आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी फैमिली को कन्विंस करें कि स्ट्रक्चर ऑफ वॉइस ड्रॉप हो रही है आपकी। जी स्ट्रक्चर ऑफ आपका जो बिजनेस है ना, आपकी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, तो अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर ठीक कर लें, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वही जरूरी है। और भी जो दोस्त देख रहे हैं वीडियो, वो अपनी अपनी फैमिलीज के अंदर ये बात डिस्कस करें और उनको लिस्टिंग की तरफ लाएं, या कम से कम अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनियां बनाएं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाएं और इकोनॉमी को बूस्ट करें और ग्रो करें और पहुंचे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। 0300-9466-240-0336-4246 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।